जंगलों में रहने वाले ये वाइल्ड बीस्ट बहुत ही खूबसूरत प्राणी हैं। अब तो ये किसानों के खेतों के आसपास भी मंडराने लगे हैं, चूँकि इनका नाम में नील गाय लिखा हुआ है। गाय होने मात्र से हिंदू इन्हें देख के दूर से ही प्रणाम करते हैं और इनकी हत्या तो दूर की बात है। और घर में बिजली का, खेतों में बिजली का घेरा लगा करके अब ये रहने लगे हैं। इन नीलगायों की कई प्रजातियां हैं, कुछ तो जंगलों में रहती हैं, कुछ हिमालय पहाड़ की वादियों में रहती हैं और कुछ गंगा किनारे कुश के जंगलों में भी रहती हैं। और ये बहुत ही मजबूत कदकाठी के होते हैं और ग्रुप में चलते हैं। इनके पीछे पीछे कभी कभी लकड़बग्घे यानी हाइनाज लग जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ पाती है इनके इनसे टक्कर लेने की। और हाइना यानी लकड़बग्घे देखते ही रह जाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो व्हील बीस्ट नीलगाय हैं लकड़बग्घों पे भारी पड़ते हैं। लकड़बग्घों की क्या बिशात, शेर भी अगर इनके सिंघों में आ जाए तो मारा जा सकता है। ये लकड़बग्घे तो